मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूँ। आप लोगों में से जॉब कौन कौन करता है? हाथ उठाओ, कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत करो, ठीक है। आप लोगों में से वर्क फ्रॉम होम किसका चल रहा है? हाँ, ये शर्म की बात। देखो, जो लोग तो ऑफिस जाने लगे मुझे उनके लिए ठीक फील होता है, पर जो जिनका अभी वर्क फ्रॉम होम चला उनको लग रहा है क्या सेक्सी लाइफ चल रही है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर किसी दिन इनको एचआर की तरफ से कॉल आ गया कि ऑफिस आ जाओ, पहले इन्हें मौत आएगी। अब ये इस लायक रहे नहीं कि अपने पैरों पे चल के ऑफिस जा पाए। इनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका है, इनकी छाती पे निशान पड़ चुके हैं लैपटॉप के। ये दिन भर बैठकर यही चेक करते रहते कि कोविड की नई वेव्स क्यों नहीं आ रही है। 2 ही साल की मौज काटनी थी क्या? ये पीठ पे तकिया बांध के काम करने की जो आदत पड़ी हुई है, ये जा ही नहीं। तुम्हारी आंखों में हरामखोरी देख पा रहा हूँ। और दोस्तों देखो, ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम में हम काम करना नहीं चाहते, हो नहीं पाता। उसके पीछे रीजन, हम काम करना चाहते, कंपनी उनको पैसे दे। प्रॉब्लम ये कि इन्होंने ही दिन में 75 मीटिंग्स रख रखी। नॉनसेंस मीटिंग होती है, सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। एंड हम लाइक, आज क्या क्या करने वाले हैं? पिछले 15 दिन से मैंने एक काम को हाथ नहीं लगाया। मैं 12 बजे उठता हूँ सो के, 1 बजे प्रॉपर उठता हूँ। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूँ। वो बोल रहे हैं हमें पता है, हम पूछ रहे हैं काम क्यों नहीं करते, क्योंकि नहीं हो रहा काम। यार हरामखोरी भी एक चीज होती है ना, मुझसे नहीं होता काम। मैंने अपनी मम्मी को एक्सेल सिखा दिया है कि कब तक चाय ही बनाती रहोगी माँ। अब वो चाय और एक्सेल दोनों करके ला रही। सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, और शाम को 8 बजे मीटिंग में हम ये बता रहे होते कि नहीं कर पाए। कहाँ से कर पाएंगे, पूरा दिन मीटिंग में ही चला गया। और जो सुबह जो मीटिंग है ना, वो तुम्हारे मैनेजर को पता है कि हराम खोर 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, तो उसने अलार्म सेट कर रखा है। वो अलार्म है, सुबह 9 बजे मीटिंग, वो अलार्म है। सुबह 9 बजे वो पहुंच जाता है कि गाइस कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे तुम लोग, कर लो ना कैमरा ऑन। उसने खुद कैमरा नहीं ऑन किया हुआ, उसके ऑडियो से फ्लश की आवाजें आ रही। हमारी फटी ये ना कैमरा ऑन कर ले। थोड़ी देर में सबका कैमरा ऑन होता है, अचानक से एक बंदा उसमें चिल्ला रहा है कि सर आपने अपने माथे पे तीर का टैटू बनवा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैनेजर बोला अबे वो कर्सर है, अंधे। ये पूरा माउस हिला के चेक कर रहा है। ओ माय बैड, आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है ना। आप देखो, हमेशा एक स्क्रीन से एक बंदा चिल्ला रहा था कि सर आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट। वो खुद म्यूट पे है, उसका मुंह खाली ऐसे से दिख रहा है बस। और एक स्क्रीन होती है जहां से पता नहीं क्यों बम फटने की आवाज आ रही है। उसका घर पता नहीं कौन सा, ईरान, इराक, गाजा पट्टी में उसका घर है। उसके घर लॉन्चर गिर रहे हैं। उसको म्यूट करने के चक्कर में तुम मैनेजर को म्यूट कर दे रहे हो। अब मैनेजर अलग चिल्ला रहे, मैनेजर अलग से कॉल कर बोला रवि काम क्यों नहीं हो पा रहा? कहां से काम हो पाएगा, अभी भी मैं मीटिंग में ही हूं। हम एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे, हमारा एजेंडा ही नहीं क्लियर हो पा रहा। एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसने सबको मेल भेज रखा कि आज मयंक का बर्थडे है, चलो पार्टी, चलो चलो। तुम अपना काम धंधा छोड़ के मयंक का बर्थडे मनाने जा रहे हो। मयंक हमारे ऑफिस का वो एम्प्लॉई है जो पैदा होना भी डिजर्व नहीं करता। मैंने मेट्रो के नीचे पीटा था मयंक, और मेक श्योर करता हूँ ऑफिस खुलने के बाद फिर पीटने वाला। ये क्यों है ऑफिस में समझ नहीं आता, ये आता और कुछ कुछ करके चला जाता, ये क्या काम करता आज भी रहस्य बना हुआ है। आप पावर बैंक खरीदते हो मोबाइल का बैटरी चार्ज करने के लिए, कुछ पावर बैंक मोबाइल का ही बैटरी चूस लेते हैं, ये वही है। ये क्यों है? ये इंटरव्यू के लिए आया था एचआर पास, एचआर ने बोला मैंक आप कंफर्टेबल हो जाओ, ये जूता तो खोल के बैठ गया, बोला टी शर्ट हटा सकते हैं क्या। हर महीने एचआर से झगड़ा कर रहा है कि जब ज्वाइनिंग टाइम तुमने बोला था कि इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी तो अकाउंट में क्यों भेज दे रहे हो। मैं पागल हूं, हर महीने थैला लेके आ रहा हूं, ऑफिस के ऑफिशियल मेल की रिप्लाई में हूं कौन लिखता है। हमने पूरे ऑफिस के लिए कैब की सर्विस प्रोवाइड कराई कि सारे लोग आ जाए कैब से, इसकी कैब हमने 2 दिन में बंद करवा दी क्योंकि घूमने निकल जा रहा था, ड्राइवर को फंसा रहा, भारी ऋषिकेश चलते। 1 रुपए का काम नहीं करना, लेकिन क्वेरीज के नाम पे लोगों से, एम्प्लॉय से घटिया सवाल करना। अब एक लड़की इंटर्न आई थी, उसने हाथ में गिटार का टैटू बनवा रखा था, उसको टोक रहा है कि खजवाने में बजता भी है क्या। मुझसे एक दिन बोला कि मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं, मैंने बोला नाइस गुड फॉर यू, बोला मैं लेस्बियन तो नहीं हूं ना। पता नहीं क्या है भाई, पता नहीं क्या है। हर ऑफिस में 1-2 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उनको देख के तुम्हारी सुलग जाती है क्योंकि तुम्हारा मूड खराब कर देते हैं। अब मैं मंडे के दिन हूँ, काम करने के मूड से, मेरे को मयंक सामने ही दिख गया, बोला हे रवि सर, आपको सर बोलने का मन ही नहीं करता। मैंने बोला क्या होगा, क्या हुआ, बोला क्या मैं आपको भैया बोल सकता हूँ। मैंने बोला तुम्हारा भाई मर गया है क्या। बोला नहीं, बस आपको देख के बड़े भाई की वाही बात है, ये लगता है कि कोई है। मतलब बोला तुमको जो बोलना है बोलो, पर भाग जाओ यहाँ से। और वही मुझसे गलती हो गई, क्योंकि अब ये मुझसे फ्रैंक हो चुका है, अब ये घटिया सवाल कभी भी कर ले। एक दिन बोल रहे कि ऑफिस की कॉफी में झाग बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, कहीं ये लोग इसमें निरमा तो नहीं डाल रहे। मैंने बोला एक तो मेरे को वापस सर बोलना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा मेरा भाई होता दौड़ा दौड़ा के मारता। बोल रहा है मुझे पियर्स साबुन से नहाना बहुत अच्छा लगता है, एकदम टॉफी जैसा दिखता है, पर खाने में तो बहुत ही बेकार। तू साबुन खा रहा है, बोला पियर्स तो फिर भी ठीक है, रिन तो बहुत ही वाहियात। ये बोला देखो भाई इंग्लिश सीखने का फायदा था, अब पहले मैं क्या है फ्लाइट पे एयर होस्टेस से पानी नहीं मांग पाता। मैंने बोला अब मांग लेते हो, बोला हाँ। मैंने बोला कैसे, बोला 1 रुपए का काम नहीं करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, बस बातें बड़ी बड़ी करना है। मैंने बोला ब्रो समोसा खाने चलते हैं, बोला नहीं मन नहीं है, तेल बहुत ज़्यादा होता है उसमें। मैंने बोला मैं खिलाऊंगा, बोला अच्छा चल। समोसे की दुकान पहुंचे, समोसा वाला अलग फ्लॉन्ट कर रहा था कि सर हमारा समोसा बेस्ट है, हम 40 साल से समोसा बना रहे हैं। उसको बोल रहा है आज वाला देना। देखो हमारा एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि तुम कुछ खा रहे हो पी रहे हो और कोई दोस्त आता हुआ तुम्हारा कोई जानने वाला दिख जाए तो तुम ऑफर कर दो, यू वांट हैव सम, आप खाना चाहोगे, और ये हरामजादे खाने लग जाते हैं। ये वही बंदा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मेरे को महंग सामने दिखाई, हाई करने के लिए हाथ धो, इसमें हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन ही लिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफर किया भी नहीं था मैंने। आधी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के मेरे को वापस करा, बोला आपको पता है इसमें टॉयलेट क्लीनर मिला होता है। एंड आई एम लाइक काश इसमें मिला होता, मेरा सपना है तुम्हारे मुझसे झाग निकलते हुए देखो। एक दिन बोल रहा कि ऋषिकेश घूमने चलते हैं, सुने वहां लैंडस्लाइड हो रहा है, रूम सस्ते हैं। हर ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है एचआर का। एचआर का बेसिकली ये काम है कि उसे ही फिगर आउट करने का उसका काम क्या है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है एचआर से काम निकलवा के दिखा दो। तो मैं 4-5 मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एचआर 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, अरे बहन 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इनका मोटिवेशन खत्म ही नहीं हो रहा कि कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोचते, संडे के दिन घर क्यों चले जाते हो। अरे मैंने बोला पेन दे दो, बोले फक ऑफ भाग जाओ यहाँ से। बोलो कुछ तो होगा, हाँ वो ड्रॉर खोलो उसमें झंडू बाम होगा, निकालो और यहीं रगड़ दो मेरे। तुम काम मांगने जा रहे हो, तुमको काम अलग से पकड़ा जा रहा है। पूरे हफ्ते पूरे महीने इनको मौत आई, इनसे एक काम नहीं हो पा रहा। पर जिस दिन ऑफिस में कोई इवेंट होता है उस दिन एचआर की एनर्जी देखो, पता नहीं कौन सा चौनप्राश चाट लेते हैं कि दोस्तों आज है फन डे फ्राइडे, आज हम फन करेंगे। और फन करने के लिए उन्होंने प्रॉपर पीपीटी बना रखी है कि फन कैसे करना है, प्रॉपर टीम्स बांट रखी है कि ये है टीम छैया छैया और ये है टीम ओए ओए। खेलो अंताक्षरी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मुंह बना के अंताक्षरी खेल रहे। और मैं एक चीज बता रहा हूं, तुम चाहे कितना भी नुसरत फतेह अली खान सुन रहे हो, जिम मॉरिसन, बॉब मार्ले, कोक स्टूडियो, अंताक्षरी खेलते टाइम तुम्हें झांटू गाने ही याद आएंगे कि माई रे माई। मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, गा से टिक टिक वन टिक टिक टू, टीम ओए की फट गई, फग्गा से गाना है। गोरी है कलाइयाँ, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। और ये लौंडे गा रहे हैं, उनको बस गा से गाना याद आ गया। लड़के ऐसे घुटने तोड़ के बैठ जा रही है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर। बॉस की फट गई, इतनी एनर्जी अगर ये लोग काम में लगा लेते तो पिछले 3 महीने से मेरी कंपनी जो घाटे में जा रही है और अगले महीने जिसे मैं बंद करने का सोच रहा हूँ, कुछ तो फायदा हो जाता। हमारे ऑफिस में ऐसी ऐसी चीज़ें करवाएं जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं, इवेंट के नाम पर। जैसे मेरे ऑफिस में एंटी डिप्रेशन सेमिनार करवा रहे हैं दिवाली के दिन। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमें डिप्रेशन क्यों है? अगर ये आज तुमने छुट्टी दे दी होती तो मैं कहीं जाके बम पटाके फोड़ रहा था, गोबर में फंसा के। सबके अपने तरीके थे फ्रस्ट्रेशन निकालने, पर मैं यहाँ भी जूम कॉल पे इनके साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वो बोला सांस ऊपर लो, सांस नीचे लो, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। हमको छुट्टी चाहिए, मुझे करवा चौथ की छुट्टी चाहिए, मैं रख लूंगा। हम छुट्टी के भूखे हैं, हमको छुट्टी नहीं मिल रही। मैं को छुट्टी मिल जाती, मैं गया 4-5 बजे, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एचआर बोला फक ऑफ, उसने वही खून की उल्टी कर दी कि देखो मुझे तो कैंसर है, स्टेज 6, यू हैव टू लेट मी गो। उसका मैनेजर वहीं खड़ा बोला ओहो कैंसर ही हो गया, एक प्रोजेक्ट रह गया है, देख लो इसी वीकेंड हो पाए, तुम्हारी चीता ठंडी होने से पहले। उसको सच में हार्ट अटैक आ गया, इतना हरामी मैनेजर। उसके मुझसे झाग निकलने लग गया, मेरा सपना पूरा हो गया, यही तो मैं चाह रहा था। ऑफिस में ऐसी ऐसी चीजें करवा रहे हैं। जैसे एक चीज और करवा रहे हैं, इनको हर महीने एक बंदे को अवार्ड देना है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। इनको लगता है इससे ना जोश बना रहता है एम्प्लॉय। इनको समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ वही आदमी खुश है जिसको अवार्ड मिल रहा है, बाकी सब किसी लग रही होती है कि इस चूतियों को भी मिल गया यार, हम इतने साल से झकमरा रहे। और इनके लिए पता बेस्ट एम्प्लॉय कौन है? वो बंदा जो रात के 2 बजे भी इनका रिप्लाई कर दे कि ये जागता रहता दिन रात हमारे लिए। इस चक्कर में मयंक जीत रहा है क्योंकि हरामजादा दिन भर सोता रहता है। ये दिन भर सोता है और रात में लड़कियों के इनबॉक्स में जाके हे सोई नहीं तुम, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे। इतनी चिंता लड़की माँ बाप को नहीं। हे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? जाओ मैं तुमसे नाराज हो गया। एक चीज और करवा रहे हैं ऑफिस में जिसका नाम है टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में इनका एजेंडा ये है कि 2 अलग अलग टीमें जिनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करें, इनकी आपस बातें करवाओ, सुख दुख बांटे। सुख कहाँ इस ऑफिस में, हम बस दुख ही बांट रहे हैं। एक बोला भाई मुझे तो 6 बजे तक बिठा के रखते हैं। मैंने बोला 6 बजे तो काफी जल्दी। अरे सुबह 6 बजे तक बिठा के रखते हैं। और टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के नाम पे हमें 10 साल से जिम कॉर्बेट लेके जा रहे हैं क्योंकि वही दिल्ली से नजदीक पड़ता है। और वहां पर भी जाके मैनेजर को ज्ञान देना है कि दोस्तों वहां जाएंगे, शेर देखेंगे और उससे सीखेंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। अरे वहां तो भगचौदी मत करो यार, पिकनिक बोल के ले जा रहा है तो मनाने तो दो कम से कम। हर जगह आप पीपीटी लेके पहुंच जा रहे हो कि शेर जब 4 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे जा रहा है। अच्छा हम अंधे हैं, हम इतने सालों जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, हमको एक भी शेर नहीं दिखाई दिया। हमको आप खाली 1,500 हिरन दिखाई दे रहे बस। पेड़ पे देख रहे हैं तो बंदर बैठे हैं, बंदर हमें देख रहे हैं, हम बंदर को देख रहे हैं, हम बंदर से नजर नहीं मिला पा रहे। वापस घूम के देखा, वापस 1,500 हिरन ही हिरन। हिरन किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया उठाकर। मुझे लग रहा है वहां शेर है, पर इतने हिरन देख के उसकी भी फट गई। वो कहीं बंदरों के साथ बैठ के केला खा रहा है कि भाई बहुत हरामी हो गए हिरन यार, कल मेरा पूछ उखाड़ के भाग गया था। हम इतने सालों से जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, हमको एक भी शेर नहीं दिखाई दिया, पर वहां जो ऊपर बंदर बैठे ना, उनको चूतिए दिखाई दे जा रहे हैं कि ये फिर आ गए गुड़गांव से, ये हर साल आ जाते हैं झुंड बना के, पता नहीं कौन सी इनकी अम्मा का खजाना गड़ा हुआ है यहाँ पे, मारो किला फेंक के मारो, भाग भाई। बंदरों का हम मूड खराब कर रहे हैं। मयंक बिस्किट खरीद रहा था। मैंने बोला बिस्किट क्यों? बोला मान लो शेर दिख गया। मैंने बोला वो शेर है, शेरू नहीं है, और तुझे पता होना चाहिए कि शेर बिस्किट नहीं खाता। बोला हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने टाइगर बिस्किट खरीदा है। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं अपना सोलो शो लेके आ रहा हूं आपके शहर में, आप लिस्ट देख सकते हो, और इसका जो टिकट का लिंक है, बुक माई शो पे टिकट्स हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से टिकट आप बुक कर सकते हो ताकि मेरे लाइव शो में आप आ जाओ। और दोस्त, सबसे जरूरी काम ये है अभी कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। दूसरी सबसे जरूरी चीज कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, शुद्ध देसी कॉमिक के नाम से मेरी आईडी है, और मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप सीधे फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ वहां पे, कहाँ शो हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो अभी का काम यही है कि टिकट बुक माई शो पे है, जल्दी से बुक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कॉमेंट कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।